हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हैप्पी नवरात्रि सबको, मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबके लिए नवरात्रि, ये जो मतलब संत नवरात्रि, सबके लिए शुभकामनाएं, मतलब शुभ फल प्रदान करे। तो इसी इसी के साथ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह से बहुत बिजी थी, तो शूट तो की हूँ, कुछ कुछ थोड़ा शूट की हूँ, पर सारा चीज मैं पूरा नहीं शूट कर पाई। तो जो भी हो, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यूट्यूब में नहीं आती हूँ, एक मतलब यूट्यूब के लिए एक वीडियो नहीं बनाती हूँ, तो मुझे कुछ काम ऐसा अधूरा लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है, इसी टाइम में बात करने से ऐसा लग रहा है कि सबसे बात कर रही हूँ। ये जो है मेरी बेटी है श्री, ये बोली कि वो सबको हाय बोलेगी, हेलो फ्रेंड्स बोलेगी। बोलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, बोलो। वो बोली कि मैं भी हेलो फ्रेंड्स बोलूंगी, ऐसे बोल रही है, अभी शर्मा रही है। तो नवरात्रि के लिए जो जो लोग स्टार्टिंग मतलब फास्टिंग भी कर रहे हैं, वो लोग के लिए मैं डाइट प्लान भी इसका पहला वाला वीडियो मैंने शेयर की थी, तो उसको जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो उसके हिसाब से कीजिएगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। और आपको 9 डेज कैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं भी आज से स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे मतलब पे मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, मतलब माता रानी का। सुबह सुबह मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड के लिए उपमा, और ये जो है फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैं कट करके आलू को रखी हूँ। फ्रेंच फ्राइज को डबल फ्राई करने से फ्रेंच फ्राइज अच्छा बनता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे हल्का सा बस फ्राई करके अभी फ्रिज में रख दूंगी, तो ये क्या होगा ठंडा हो जाएगा। ये जो है वेजिटेबल्स मैं कट करके रखी हूँ उपमा के लिए, चलिए अभी फ्रेंच फ्राइज पहले बना लेते हैं, फिर तेल निकाल के मैं उपमा बनाऊंगी। तो फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए तेल तो गर्म हो चुकी है, अभी मैं आलू को थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली एक आलू मैं कट की थी बस एक ही जन, वो भी हस्बैंड उतना नहीं खाते हैं, तो एक आलू मैंने कट किया था, तो उसी को मैं फ्राई कर रही हूँ अभी। इसमें मैं कुछ भी नहीं मिलाई हूँ, बस उसको छिल कर ऐसे शेप में कट कर इसको फ्राई कर रही हूँ। तो अब 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद ऐसे मतलब हाई मीडियम फ्लेम में इसको कुक करूँगी, फिर उसके बाद मैं उसको निकाल दूँगी, मतलब 5 मिनट के बाद इसको मैं निकाल दूँगी, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट, ज़्यादा 5 मिनट से कम नहीं हो गया होगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंदर से अगर पक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी मतलब पूरा पकाना नहीं है, तो बस थोड़ा सा कलर चेंज होगा उसके बाद मैं इसको निकाल दूँगी। मैं दिखा रही हूँ जो कि कलर, इसका जो कलर है ऐसे ही कलर आने तक हमको यहाँ तक रुकना है, उसके बाद हम इसको निकाल देंगे। मैं अभी निकाल के रख दे रही हूँ इसको,
उसको जब मैं तेल से निकाल रही हूँ, तेल जैसे कि पूरा मतलब ड्रेन हो जाए वैसे इस तरीके से करने से तेल थोड़ा ज़्यादा मतलब ड्रेन हो जाता है। तो इसको मैं निकाल के फिर ये जो तेल है कढ़ाई में, यहाँ पे मतलब एक तेल को मैं पूरा तो यूज़ नहीं करूँगी तो इसलिए थोड़ा कम कर दी हूँ। ये जो है तड़का के लिए मैं रखी हूँ पंचफूरन, थोड़ा सा सूखा हुआ कड़ी पत्ता और एक रेड चिली, एक मतलब दोनों कच्चा चिली है, एक रेड और एक ग्रीन चिली, मतलब तीखा वाला है पर थोड़ा मतलब टेस्ट के लिए डाली हूँ। यहाँ पे देखिए रंग अच्छा दिख रहा है, ग्रीन रेड ऑरेंज कॉम्बिनेशन दिख रहा है। पत्ता गोभी, कैरेट, थोड़ा सा आलू और टमाटो डाली हूँ इसमें। तो इसको मैं हल्का सा हल्दी मतलब टेस्ट के हिसाब से हल्दी और नमक डाल के हल्का फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं ड्राई रोस्ट करके जो रखी थी सूजी वो ऐड करूँगी। मैं इस सूजी को ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ क्योंकि जब टाइम मिलता है उसको मैं ड्राई रोस्ट करके ऐसे रख देती हूँ। उसमें ना तेल मिलाती हूँ ना कुछ भी मिलाती हूँ, कुछ नहीं मिलाती हूँ। ड्राई रोस्ट करके रखने से मुझे ये फ़ायदा मिलता है, कभी भी इंस्टेंट ज़रूरत पड़े तो उस टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हमेशा बेबी के लिए जो खाना बनाती हूँ कभी कभी वैसे बना लेती हूँ, सूजी का हलवा टाइप बना लेती हूँ। तो उसमें घी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, हालांकि मैं चीनी घी ये सब यूज़ नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा बेबी के लिए, मैं बना के देती हूँ उसको। और ऐसे इंस्टेंट चीज़ों के लिए ये सब ठीक है, मतलब ड्राई रोस्टेड सूजी मतलब बहुत अच्छा रहता है। तो इसको मैंने वही हाई मीडियम में 3 से 4 मिनट पकाऊंगी, फिर बाद मतलब इसको निकाल दूंगी। ढक्कन निकाल के अभी थोड़ा चेक कर लेती हूँ, ये पूरा बढ़िया सा बन गया है। अभी हस्बैंड बोले कि सुबह सुबह ज़्यादा खाने को मन नहीं है, पर ब्रेकफास्ट करके उनको खेलने के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं वही 1 से 2 स्पून लूँगी यहाँ पर सूजी। देखिए ये है मेरा ड्राई रोस्टेड सूजी। लाने के बाद इसको ये रोस्ट करना ऐसे ज़रूरी है क्योंकि ये जो सूजी है ना, ये वेजिटेबल्स के साथ मिलके मतलब ऑयल में फ्राई होने का टेस्ट और भी कुछ अलग रहेगा। कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, ये वेजिटेबल्स पक गया तो उसमें पानी ऐड करके फिर बॉयल होने के बाद सूजी ऐड करते हैं, पर वैसा करने से क्या होता है, सूजी में थोड़ा सा तेल का जो ऐसा करने से तेल का जो आता है मतलब तेल में फ्राई होने का जो खुशबू आता है उसमें खुशबू नहीं आता है, जैसे बॉइल्ड बॉइल्ड लगता है। सेम ही तेल वगैरह सेम यूज होता है पर वैसे ऐसे थोड़ा टेस्ट ज़्यादा लगता है। अभी मैं इसमें पानी ऐड करूंगी, पानी जितना सूजी लिए हैं उसका डबल ऐड करना है क्योंकि सूजी जो है वो पानी पीने में माहिर है, तो पानी बहुत ज़्यादा पी लेती है। और इसको मैं पानी ऐड करके थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि सूजी अगर नहीं पकेगा तो वो गैस्ट्रिक वगैरह हो सकता है। तो ऐसे भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तो ऐसे चीज़ खाना चाहिए जो कि ईजिली डाइजेस्ट हो जाए। तो के लिए थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ, जैसे 1 पिंच के बराबर, तो थोड़ा सा शुगर ऐड कर रही हूँ। अभी इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जो फ्रेंच फ्राइज बनाने का रेसिपी आपको दिखाया उसको बाद में
फिर जब बना रही थी तब मैं सूट करना भूल गई और पूरा सूट नहीं कर पाई, तो उसके लिए सॉरी। कभी फिर बनाऊंगी तो मैं उसको जरूर सूट करूंगी। उपमा बन के रेडी हो गया है, कितना अच्छा सा पक गया है। और ब्रेकफास्ट के लिए कुछ भी मतलब ऐसी चीजें जरूरी है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि नहीं तो मॉर्निंग अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो दिन पूरा खराब हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा उपमा बन के बिल्कुल रेडी है। उपमा भी कितना कलरफुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। और अभी ये नाइट का टाइम है और नाइट में मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ। ये रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी थी पर मैं शायद बिना प्याज लहसुन वाला शेयर नहीं की थी मुझे लगा। और ये जो अदरक वाला, मैं अदरक जैसे नहीं डालती हूँ, अगर फास्टिंग वगैरह रहता है तो ही डालती हूँ। पहले मतलब कढ़ाई को गर्म, कढ़ाई में तेल गर्म करके फिर जीरा को थोड़ा सा क्रक होने के लिए छोड़ दी थी। फिर अदरक और जो होता है रेड चिली उसको थोड़ा सा कूट कर मैं यहाँ पे ये तेल में हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद ये जो टमाटो, एक टमाटो को मैं चॉप करके यहाँ पे रखी थी उसको ऐड कर दे रही हूँ। ऐड करने के तुरंत बाद मैं इसीलिए ढकती क्योंकि ये जो तेल है वो बहुत ज़्यादा छिटक रहा था, तो इसीलिए मैं इसको ढकती। अभी मैं इसमें पाउडर मसाले ऐड करूँगी। मसाला मतलब मिक्स्ड, ये जो है इसको संतुला बोलते हैं। इसमें ज़्यादा मसालों का ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे कि हल्दी, थोड़ा सा हल्का सा करी पाउडर इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि फास्टिंग है इसीलिए। और साल्ट और हींग थोड़ा सा डालूंगी। साल्ट मतलब हींग में क्या होता है, हींग का टेस्ट थोड़ा अलग आता है स्मेल। और बिना प्याज लहसुन का अगर बना रहे हैं ना, हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डालना। और थोड़ा साल्ट भी ऐड कर दी ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। एक चुटकी के बराबर हींग भी डाल दी। तो अभी इसको हल्का सा फ्राई करूंगी, फिर अभी ढक के इसको पका दूंगी क्योंकि ये जो टमाटो है ये थोड़ा सा कच्चा था तो ये पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको थोड़ा ढक दूंगी। 2-3 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी, उसके बाद चेक कर लूंगी मतलब कैसा है हाल, क्योंकि ये जो सब्जी है पूरी तरह से पक चुकी है। टमाटो अगर कच्चा रह जाएगा तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद में जो बॉइल्ड सब्जी है, बॉइल्ड सब्जी मतलब वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे आलू, एक बैंगन, एक ड्रमस्टिक, तो 3-4 भिंडी और थोड़ा सा कद्दू, ये सब ऐड करके इसको पानी में पकने के लिए छोड़ दी थी। पानी में थोड़ा सा साल्ट और हल्दी ऐड करके बॉइल्ड वाटर में फिर ये सब्जी को पकने के लिए छोड़ दी थी। यहाँ पे देखिए मेरा सब्जी भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करूँगी, रोस्टेड जीरा पाउडर। रोस्टेड जीरा पाउडर का स्मेल ये सब सब्जी में इतना अच्छा है वो कहने का नहीं, बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं ऐड कर दी। इसका टेस्ट मतलब इसका स्मेल भी इतना अच्छा आता है ना, घर पे बनाया हुआ रोस्टेड जीरा पाउडर। ये सब दाल वगैरह मतलब सिंपल सा कुछ भी बना रहे हैं उसमें आप रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड कर दें तो उसका टेस्ट पूरा दुगना हो जाता है जैसे लगता है। तो मेरा वेजिटेबल्स वगैरह मैं चेक कर रही हूँ अच्छे से पक गया है कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अभी मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी।
रहा है, थोड़ा सा घी रोटी बना ली थी। यहाँ पे देखिए थाली रेडी है ये हस्बैंड के लिए, और फ्रूट बाउल जो है मेरे लिए। फ्रूट बाउल में मैंने यहाँ पे मास्कमेलन, पपैया, खीरा और ऑरेंज ली हूँ। और जितना हो सका मैं उतना शूट कर पाई, मतलब मैं भी ऐसे दिन में बिजी थी थोड़ा, क्योंकि ऐसे तो सबको पता होगा घर में बच्चे रहने से काम इतना भी बढ़ जाता है, ऐसे भी पूछा था। और कास्टिंग के लिए मतलब मैं बिना प्याज का सुनूंगा, मैं तो खुद मतलब फ्रूट्स खा रही हूँ, और हस्बैंड भी मतलब उनके लिए भी मैं बना रही हूँ बिना प्याज का सुनूंगा, क्योंकि मैं घर में कलर स्थापना करती हूँ तो प्याज का सुन नहीं बनाती हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा।